रिफ्लेक्ट की जाती है। तो चलिए, कला के कारीगर होते हैं और यही वजह है कि चाहे बजट हो चाहे आपकी बिल्डिंग हो, कारीगर कैसा है उस पर डिपेंड करता है। और गिया साहब बहुत बारीकी से बजट को समझते हैं और जानते हैं, यही वजह है कह रहे हैं कि आज बजट अनाउंस किया गया है, लेकिन नोटिफिकेशन जब उसका जारी होगा उसके बाद पता चलेगा कि वास्तव में प्रदेश किस दिशा में जा रहा है और जो अनाउंसमेंट्स हैं उनका भविष्य क्या होगा। चलिए रामपाल जाट साहब के पास में जाना चाहूंगा। रामपाल जी, कहा तो जा रहा है कि खेती और किसान उसको समर्पित है, उनके बच्चों का भविष्य किस तरह का होगा, ये तमाम जो एक संदेह थे किसान के मन में उन्हें दूर करने की कोशिश की जा रही है, सरकार की ओर से दावा है। योगेंद्र जी, ये सही बात है कि राजस्थान में 80% से अधिक किसान हैं, और यदि किसी भी अर्थचक्र को गति देनी हो तो फिर अधिकतम उपभोक्ताओं की जेब में पैसा डालना होता है। अभी जो नोटबंदी का प्रभाव है उसको समाप्त करने के लिए जरूरी था कि अधिकतम उपभोक्ताओं की जेब में पैसे डालें, और इसके लिए जरूरी था कि किसान जो भी अपनी उपज तैयार करता है उसकी कम से कम उसको लागत तो मिल जाए। तो अभी तो जितना उसकी जेब से खर्च हो रहा है वो भी उसे प्राप्त नहीं हो रहा है, ये स्थिति है। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा, ये स्थिति तो तब है जबकि हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के पहले जो घोषणाएं की थी उनका ये साधारण घोषणाएं नहीं है, ये मेरा संकल्प है। और उन्होंने सराज संकल्प में लिखा, मैं जो कहती हूँ वो करती हूँ, मेरी कथनी करनी में अंतर नहीं है। इन्होंने जो लिखा सराज संकल्प 2013 में, उन्होंने लिखा हम लाभकारी मूल्य देने के लिए सभी कृषि उपजों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करेंगे। अभी राजस्थान में जो सरसों है और सरसों के उत्पादन में एक और राजस्थान, एक और पूरा हिंदुस्तान, पूरे देश का आधा उत्पादन है, वो सरसों उत्पादक के आंखों में खून के आंसू हैं। इसलिए कि उसका लागत मूल्य तो सरकार कहती है 4,000 रुपये एक कुंटल का, और अभी किसान को मिल रहे हैं 3,200 रुपये, यानी एक ही कुंटल पर 800 रुपये का घाटा। दूसरी ओर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने डिक्लेयर किया है 3,700 रुपये, वो 3,700 रुपये पे खरीद के लिए अभी सरकार ने आदेश ही नहीं किया, निर्णय नहीं लिया कि खरीद करेंगे। तो आज किसान रो रहा है, 10 लाख क्विंटल सरसों बाजार में मंडियों में आ चुकी, और वो 800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से घाटे में किसान को बेचनी पड़ी है। तो ये जो नोटों का होना चाहिए था जेब में आना वो तो रुक गया, तो जो पहले रुका हुआ था उसको फिर रोक दिया गया। और दूसरा रामपाल जी, बीज स्वावलंबन की बात की गई है और रबी की फसल का जो क्षेत्रफल था उसे बढ़ाने की बात कही है, इस कृषि किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा बढ़ाने की बात कही गई है। कुछ ऐसे मेजर इश्यूज थे जो अनाउंसमेंट में सरकार बहुत बड़ा एक योगदान और कदम मान करके चल रही है। योगेंद्र जी, सरकार आधा सच बोलती है, सभी सरकारें कि वर्तमान सरकारी? लगभग सभी सरकारें हाँ वर्तमान की, वर्तमान उसी ढर्रे पे चल रही है। हम आशा ये जी, करते थे कि ढर्रे से हटकर चलेगी। कोई क्रम तोड़ नहीं रहा है हाँ, कोई क्रम टूटा नहीं, जी। इसलिए क्रम ज्यों का त्यों बना हुआ है। आज भी शब्दों के तो सब अमीर है, लेकिन जब देने की बारी आती है तो इनके कदम पीछे हैं, और उसी ढंग की भाषा उपयोग करते हैं जिससे लोगों को भ्रम बना रहे कि हमारे लिए काम किया जा रहा है, उनके लिए कुछ होता ही नहीं है। इसी ढंग से अभी इन्होंने एक घोषणा की कि साहब हमने 1,27,000 कृषि कनेक्शन जारी कर दिए एग्रीकल्चर में। मैं पूछना चाहता हूं, 2008 का बजट जिसमें इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी मांगते ही मिलेंगे किसानों को कनेक्शन, तो ऑन डिमांड कनेक्शन की जो घोषणा की थी, 2008 से 2017 आ गया, तो भाई इनकी घोषणा है आपके मेरे तो नहीं, इसलिए नहीं, खुद कहा घोषणा गया तो कि पूरी है। 1 लाख कृषि कनेक्शन आगामी 2 साल में रिलीज किए जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं ये नौबती क्यों आई कि 1 लाख कनेक्शन 2 वर्षों में हाँ रिलीज किए जाएंगे, जब मांगते ही कनेक्शन देने की बात थी कि नवंबर 2009 से मांगते ही मिलेगा कनेक्शन। तो आज भी 1991 से लेकर अब तक जो पेंडेंसी है उसको क्यों आप पेंडेंसी रख रहे हो? तो ये आप किसान खड़ा रहे लाइन में हमेशा ही, वो बेचारा क्यों ही खड़ा रहेगा क्या?
तो आप वो बिजली चाहता है उत्पादन के लिए, देश की उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए, तो आप बात करते हो उत्पादन की, उत्पादकता की, उन दोनों के लिए किसान चाहता है बिजली का कनेक्शन, वो भी जो आपकी घोषणा उसको भी आप पूरी नहीं कर रहे, और उसमें भी आप होशियारी कर रहे हो 1 लाख कनेक्शन 2 साल में दिए जाएंगे। भाई 2 साल तो आप, पौने 2 साल है आपका, तो 2 साल तो है ही नहीं, तो 2 साल में भी आप देंगे तो आप मांगते कनेक्शन कहां पूरा हुआ, तो मांगते जो कनेक्शन की आपकी घोषणा थी वो कहां पूरी हुई। इसी ढंग से पिछले इनके शासनकाल में एक ने बहुत अच्छी घोषणा की थी पशुपालकों के लिए, इन्होंने कहा था हम दूध का देंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य। आज दूध और पानी एक भाव बिक रहे हैं, तो पानी की बोतल ले आओ 30 रुपए लीटर और दूध ले आओ 30 रुपए लीटर, तो ये जो दूध बेचारा उत्पादन कर रहा है उसकी जो लागत है वो तो घटाने का कोई काम किया नहीं सरकार ने। यदि ये कहती है पशु आहार हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, हम ये जो चिकित्सा है पशुओं की उसका हम व्यवस्था करेंगे ग्राम स्तर पर, वो तो कुछ की नहीं। तो आज कृषि के बाद में यदि किसानों का कोई संबल देने वाला सबसे बड़ा सेक्टर है वो पशुपालन है, तो पशुपालन के मामले में भी केवल फौरी घोषणा है वो करके सरकार कहना चाहेगी कि हम किसानों के हितैषी हैं। जी मैं वापस आपके पास में आऊंगा, पी कृष्ण कुमार जी हमारे साथ में है। यूथ और स्पोर्ट्स, इसको लेकर के इस बजट को किस नजरिए से देखते हैं आप? नहीं, इस बजट में घोषणाएं तो हुई हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी मुझे जो लगी एज ए स्पोर्ट्समैन वो है कि एक स्पोर्ट्स पॉलिसी पे बनाया जाएगा, एक जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक एक स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं होगी तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है हर स्पोर्ट्स में। अगर आप देखें रोज पढ़ने में आता है पेपर में कि कहीं पर क्या प्रॉब्लम चल रही है, किसी गेम में क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो ये एक अच्छा डिसीजन है कि एक स्पोर्ट्स पॉलिसी बनेगी राजस्थान की, जिससे क्या यूनिफॉर्मिटी आएगी। आई थिंक ये बहुत अच्छा डिसीजन है जी का। एक पीपीपी मोड पे जाने की बात कही है, कुछ स्टेडियम्स ऐसे हैं जिन्हें पीपीपी मोड पे लेकर के जाएंगे, तो इससे दो बातें हैं कि अगर कोई एग्रीमेंट होगा तो सरकार के साथ में होगा। अभी जो गवर्नमेंट स्टेडियम्स हैं उसमें एक आम बच्चा जाके खेल सकता है, बहुत नॉमिनल फीस है। ऐसा तो नहीं होगा कि पीपीपी मोड पे जिस तरह से जिम क्लब चल रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के या स्पोर्ट्स एकेडमीज चल रही हैं उस तरह से तब्दील होगी, एक यूथ या फिर एक आम स्टूडेंट है जो वास्तव में अपना भविष्य स्पोर्ट्स में तलाश रहा है वो कहीं उससे दूर हो जाए? नहीं, ये मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। मेरे हिसाब से ये गवर्नमेंट उसमें रहना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या इजी रहता है स्पोर्ट्समैन के लिए। जैसे आपने कहा कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं देने के लिए, तो मैं ये कहूंगा कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, ये गवर्नमेंट के उसमें क्योंकि पीपीपी मोड तो गिव एंड टेकन वाला होगा कि आप पैसे दीजिए तो आपको सुविधाएं मिलेंगी। आई एग्री, टोटली एग्री इसमें, क्योंकि आए दिन हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स है जिनके पास में इक्विपमेंट खरीदने का पैसा नहीं होता है, और बिल्कुल समाज या भमासा या फिर कहें जो सीनियर स्पोर्ट्समैन है उन्होंने वो इक्विपमेंट्स दिए और कॉमनवेल्थ जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय उसके अंदर मेडल्स भी लेकर के आए। जयपुर के भी उदाहरण है, रजत चौहान जिसमें से एक है जिसके पास में पूरी तरह से संसाधनों का अभाव था, लेकिन जब उसे व्यवस्था मिली तो बिल्कुल वो वहां तक पहुंचा। तो मुझे लगता है कि ये पीपीपी मोड करने तो सरकार जा रही है, लेकिन जब तक उसका पूरा सेनेरियो क्लियर नहीं करेगी और रूट मैप को नहीं बताएगी तब तक मुझे लगता है कि संदेह के बादल बने रहेंगे। चले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। ईश्वर की देन इस जिंदगी के हर दिन की शुरुआत करें ईश्वर की आराधना के साथ। देखिए हमारा खास कार्यक्रम आरती रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ जन टीवी पर। हो गई भूल, खुल गए प्रभु के पावन द्वार, भक्ति के रंग में रंग गया संसार, जाग गया मन और गूंज उठी
रोज प्रातः 7:30 बजे सिर्फ जन टीवी पर। किसानों की खुशहाली है उन्नत फसल, बीज, सिंचाई और बीमारियां, इन सभी परेशानियों से ना पड़े आपको दो चार होना, इसीलिए हम लाए हैं किसान भाइयों के लिए धरती उगले सोना, सिर्फ जन टीवी पर। क्या है शेयर मार्केट की चाल, जानिए रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी के हाल, सोना चांदी और कमोडिटी बाजार सीधे आप तक, हर बिजनेस की होगी हर बात, देखिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बजट 2017-18 जिसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपना चौथा बजट पेश कर दिया है और राजस्थान की उम्मीदों पर, एक आम आदमी की उम्मीदों पर कितना खरा है उसको लेकर के हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और हमारे पैनलिस्ट बता रहे हैं कि बजट का भविष्य क्या होगा। चलिए एक बार मैं घिया साहब वापस आपसे मुखातिब हूंगा। देखिए बजट को लेकर के ही सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि बजट का औचित्य भी नहीं रह गया है, क्योंकि पहले यह होता था कि बजट अगर आ रहा है मार्च महीने में तो पूरे साल भर का एक रोड मैप तय होता था फाइनेंस का कि इन चीजों को महंगाई में हमें खरीदना होगा, ये चीजें सस्ती होगी। लेकिन सरकारें बीच में ही बजट को रूट डाइवर्ट करने लगी हैं और कभी भी किसी चीज का अनाउंसमेंट हो जाता है, कभी भी किसी मद में जो खर्च है उसको बढ़ा दिया जाता है, तो ये बजट का क्या माना जाए, वायोलेशन है बजट का? देखिए बजट हमारा जो ट्रेडिशनल एस्पेक्ट था जी, वो ये कहता था कि साल में एक ही बार कर दर में परिवर्तन होगा, कुछ कम होगा कुछ ज्यादा होगा, वो एक ही बार होगा जिससे कि कंटिन्यूटी बनी रहे और साल भर जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन अब सरकार बड़ी इंपल्सिव मोड पे आ गई है और कोई भी चीज उनको लगती है इंस्टेंट अमेंडमेंट कर देते हैं। फर्क खाली इतना सा है कि वर्तमान बजट में जो भी अमेंडमेंट है वो सारा अमेंडमेंट हमारा जीएसटी बेस्ड हो गया है। आपने देखा होगा यूनियन बजट में भी सर्विस टैक्स और एक्साइज में कोई चेंजेस नहीं किए गए। इसी तरह इस बार भी जो स्टेट बजट है इसमें भी वैट, एंट्री टैक्स और लग्जरी टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स में कोई मामूली सा परिवर्तन किया गया है, क्योंकि सबको ये लग रहा है 1 जुलाई से जीएसटी आएगा। लेकिन मैं टैक्स की बात करते करते बीच में एक दूसरी बात और करना चाहूंगा। आप अभी पीपीपी मोड पे स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात कर रहे थे। देखिए सरकार अगर पीपीपी मोड में नहीं जाएगी तो उस तेजी से डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का नहीं हो पाएगा। पीपीपी मोड में जाए और उसमें रेस्ट्रिक्शन रखे, उसमें एक परसेंटेज रखे कि 20% खिलाड़ियों को फ्री एडमिशन रहेगा या उनके उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, या जो खिलाड़ी किसी स्टेज पे कोई पदक जीत के लाता है तो उसको आगे फर्दर प्रोग्रेस के लिए उसको फ्री रहेगा। इस तरीके की कंडीशन सरकार रख सकती है और अगर उन कंडीशंस के साथ हम पीपीपी मोड में जाते हैं तो खिलाड़ी, सरकार और जो प्राइवेट प्लेयर आ रहा है उसको फायदा मिलेगा। पीपीपी मोड में एक और फायदा है, आजकल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर फंडिंग आती है। अगर आप सीएसआर फंडिंग लेकर और उसमें, क्योंकि कंपनीज के लिए मैंडेटरी है कि उनको सीएसआर फंडिंग करनी है, अगर वो फंडिंग लेकर पीपीपी मोड में जाते हैं तो भी कोई बुराई नहीं है। कंपनीज अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बुनाती है, उनको इनकम टैक्स में और कंपनीज एक्ट में रिबेट मिलती है और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेडियम डेवलप होते हैं। एक छूट की बात कर रहे थे हम, किसान रामपाल जी साहब एक बहुत अच्छी बात कर रहे थे सरसों के लिए, तो सरकार ने रिप्स 2014 में सरसों मिलों की एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड जितनी भी नेगेटिव लिस्ट थी उसको इस बजट में खत्म कर दिया। हालांकि मैं ये मानता हूं कि इन्वेस्टमेंट के लिए कोई नेगेटिव लिस्ट होनी नहीं चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट करने कोई आ रहा है राज्य में तो उसके लिए नेगेटिव लिस्ट रखने का मतलब नहीं है, बल्कि सरकार को तो प्रोत्साहन देना चाहिए। बट एक बहुत बड़ा उन्होंने फायदा ये किया है
कि सरसों मिलों के लिए, पर्टिकुलरली सरसों मिलों के लिए नेगेटिव लिस्ट रिप्स में खत्म कर दी है और रिप्स में उनको बेनिफिट और अधिक बढ़ा दिए गए। रीजनल कनेक्टिविटी के लिए हमारा राजस्थान पधारो मारो देश के नाम से फेमस है, हमारा स्लोगन है, और आपनों राजस्थान भी अपन कहते हैं, और उसको एयर कनेक्टिविटी राजस्थान में सबसे कम थी। रीजनल एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी रीजनल एयर कनेक्टिविटी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी स्पेशल फंड दिया है, उस रीजनल एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने ATF में 1% खाली टैक्स कर दिया है। उससे जो रीजनल एयरलाइंस है, अगर वो जयपुर से जोधपुर, जयपुर से बीकानेर, जयपुर से जैसलमेर, उदयपुर, कोटा, अनाउंसमेंट भी किया है कि कोटा को, अजमेर को, बीकानेर को, रणथंबोर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। और हमने देखा है कि रीजनल एयरलाइन चालू हो गई है और कुछ अनटच्ड एरिया जहां पर एयर सर्विस नहीं थी वहां पे एयर सर्विस वापस से चालू हो गई है। तो ये कुछ बेनिफिट स्कीम्स सरकार द्वारा दी गई है। और अगर हम टारगेटेड स्कीम्स की बात करें, टैक्स की बात करें, छोटे व्यापारी की बात करें, कॉम्पोजिशन में उनको बेनिफिट जो देना चाहिए था वो कुछ दिया है, बट टैक्स रेट में बेनिफिट, क्लैरिटी जो है वो टैक्स रेट की, वो अभी तक नहीं दी है। और सरकार से बड़ी आशा थी कि उन चीजों पर क्लैरिटी दे, वो नहीं आ पाई। चलिए पंकज जी, मैं आपके पास में आऊंगा। चारू जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कुछ सोशल सेक्टर को टच किया है और हर सरकारी करती आई है, 20,000 वृद्धजनों को टूर प्रोग्राम तय किया गया, जिसमें 5,000 को बाई एयर लेकर के जाएंगे, जिसमें दर्शन कराने के लिए, ये टोटली धार्मिक आधार पर देखा जा रहा है, और बद्रीनाथ में और तिरुपति जी में धर्मशाला बनाने की भी बात की जा रही है। एक सामाजिक सरोकार की भावना से हम देखें तो लगता है आपको कि जरूर कदम था? अच्छी बात है, चुनाव में जीतना भी है, वोट भी लाने हैं, तो इस तरीके की जो है घोषणाएं होनी भी चाहिए। लोगों को पहले अशोक गहलोत जी ने जो है रेल से यात्रा कराई और अब मैडम के राज में वो हवाई यात्रा भी करेंगे। अच्छी बात है, क्योंकि कई पुराने वृद्धजन हैं जो कि इस तरह के कभी हवाई जहाज में भी नहीं बैठे होते, तो ये उनके लिए अच्छा है। लेकिन हम, मुझे समझ से परे है कि हम तिरुपति में जाकर या वृंदावन में जाकर के हम मंदिरों की साफ सफाई और वहाँ का जीर्णोद्धार करने की सोच रहे हैं, धर्मशाला बनवाने की सोच रहे हैं, तो राजस्थान तो अभी बहुत उपेक्षित है। आपने भले ही स्मारकों के नाम के ऊपर जो है एक अलग फंड बनाया है और अलग अलग काम उस पर कर रहे हैं, लेकिन आज भी आप चले जाइए, मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर चले जाए या कहीं भी और चले जाए, हम आसपास ही देख ले, चाहे गोनेर ही देख ले, हालांकि उसको गोनेर को हम आदर्श गांव की भी बात करते हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पे स्वच्छता के नाम पर, साफ सफाई के नाम पर एक जो आदर्शता वहाँ होनी चाहिए थी वो नहीं है। हम अपने यहाँ तो ये फैसिलिट नहीं कर रहे कि कोई पर्यटन के हिसाब से यहाँ पर आए और हमारे यहाँ पर आकर के वो कम कीमत पे या कम मूल्य देकर के धर्मशालाओं का उपयोग करें, हम बल्कि जहाँ पहले से मौजूद है वहाँ जाकर के खोल रहे हैं। इसका मुझे औचित्य समझ नहीं आता कि दूसरे प्रदेशों में जाकर के हम क्यों खोल रहे हैं। होना ये चाहिए था कि वो पर्यटन हमारे यहाँ बढ़ना चाहिए था। हमारे यहाँ स्वच्छता का मिशन जो कि मोदी जी का मिशन है और बहुत उनकी फ्लैगशिप योजना, मेन फ्लैगशिप योजना है, तो आज भी हमारे, आप आसपास का कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, आपको जहाँ मंदिरों की जहाँ बात है, जहाँ लाखों लोग आते हैं, वहाँ आज भी दर्शनार्थी जो है वो इस तरीके से परेशान है वहाँ की साफ सफाई को लेकर, वहाँ के सौंदर्य को लेकर, तो वहाँ जाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता। पता नहीं किस कारण से या क्या सोच करके वहाँ ये धर्मशाला खोली जाएगी, मेरे लिए तो सोचने से परे। चलिए पी कृष्ण कुमार जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं, कि 60 साल से अधिक उम्र के जो खिलाड़ी हैं, सीनियर जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं, उनके लिए पेंशन की बात कही है एक तो मुख्यमंत्री ने, दूसरा जनजाति क्षेत्र में खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मुझे लगता है एक शुरुआत है, हो सकता है अलग अलग जगह पे इस तरह की जाए। एकेडमीज की जो अनाउंसमेंट किया गया है कि भरतपुर में कुश्ती, वॉलीबॉल के लिए आपके झुंझुनू में कुछ ऐसे एकेडमीज का अनाउंसमेंट किया गया था, ये लगता है कि अब राजधानी से बाहर जाकर अगर ऐसे एकेडमी बनती है तो आपको लगता है कि पूरे प्रदेश में खेल का एक माहौल बन सकेगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग एकेडमी बनेंगे तो? नहीं, ये अच्छा डिसीजन है कि अगर अपन जैसे जयपुर से बाहर निकलकर अगर एकेडमी खुलती हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा कि इसमें जो प्रशिक्षण हो वो ग्रास रूट लेवल से हो। हाँ। क्योंकि अगर आप देखें जो दूसरे देश हैं, चाहे चाइना ले लें, चाहे अमेरिका ले लें, जो कि बड़े बड़े देश हैं जो कि ओलंपिक्स में बहुत सारे गोल्ड मेडल जीतते हैं, वो वहां पर आप देखें कि सबसे ज्यादा फोकस जो रहता है वो ग्रास रूट लेवल पर रहता है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एकेडमी खोलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां पर जो कोचिंग होता है, जो प्रशिक्षण होता है, वो ग्रास रूट लेवल के बच्चों को हो तो बहुत फायदा मिलेगा देश को। और इसका एक नेटवर्क बनना चाहिए पूरा राजस्थान का, पूरा बैठ के उनको एक पूरा नेटवर्क बनाना चाहिए और उनको ये देखना चाहिए कि कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है किस तरह के खिलाड़ी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप देखें हरियाणा में बहुत सारे कुश्ती पे बहुत ज्यादा जोर रहता है, क्योंकि वहाँ के एक वो कहते हैं उनके इनहेरेंट है, उनके हेरिडिटरी है, वो जो उनका जो ब्लड में है वो अपने आप आता है, वो कुश्ती का जो गेम है। इस तरह से अगर अपन को भी राजस्थान में भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में देखना चाहिए कि किस तरह के प्लेयर्स कहाँ से निकलते हैं, और उसी तरह की अकेडमी पे वहाँ फोकस होना चाहिए। तो अकेडमी का डिसीजन अच्छा है, बट मेरा यही है कि जो डेवलपमेंट हो ग्रास रूट लेवल से हो। चलिए, बजट में भी इजाफा किया है, 24.37% का बढ़ोतरी बता रही है मुख्यमंत्री जो अनाउंसमेंट है उनमें, कि पिछली मर्तबा जो यूथ एंड स्पोर्ट्स का जो बजट था उसमें 24.37% 30% की बढ़ोतरी की है। तो मुझे लगता है कि यानी कि फोर्थ बजट, अगर 100 करोड़ दिए थे तो 25 करोड़ रुपए आपको और एक्स्ट्रा मिलेंगे, 100 करोड़ मिलने हैं, उसके अलावा 25 करोड़ और 125 करोड़ का बजट होगा। तो लगता है कि जो अनाउंसमेंट्स तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन जो उपेक्षित महसूस हो रहा था ये उसको एक नई जान मिल सकेगी, क्योंकि यहाँ पे प्लेयर्स की कमी नहीं है। ओलंपिक में भी हमारे यहाँ के जो यूथ है उन्होंने धाक जमाई है, अपना नाम कमाया है। कई लोग तो ऐसे, बेशक वहाँ मेडल की बात अलग हो, लेकिन उनके रिकॉर्ड एशिया में आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। दूसरा, ऐसा क्या महसूस करते हैं जो आप उम्मीद करते हो कि एज ए स्पोर्ट्समैन कि ये होना चाहिए था? नहीं, बजट बढ़ता है तो जो स्पोर्ट्समैन है ऑब्वियसली उसको बहुत खुशी होती है, क्योंकि उसको और भी स्कोप दिखता है डेवलपमेंट का। मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट थिंग है वो जो मैंने पहले भी कहा कि एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए। अभी ऐसा लगता है कि जैसे एज ए स्पोर्ट्समैन मैं जब भी पेपर पढ़ता हूँ तो सारे एसोसिएशन, जितने भी एसोसिएशन है, चाहे कोई सा बैडमिंटन हो, चाहे कुश्ती हो, चाहे क्रिकेट हो, हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो आई थिंक गवर्नमेंट को इस पर बहुत गहराई से सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हर एसोसिएशन में कुछ प्रॉब्लम चलती रहेंगी तो डेवलपमेंट आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट। जी रामपाल जी, आपके पास में आना चाहूंगा। सरकार केंद्र की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सोइल हेल्थ कार्ड को लेकर के एक बड़ी उपलब्धि हासिल हो रही है सरकार को, बताया भी जा रहा है। पिछले आज तो बजट की बात कर रहे हैं, इससे पहले अभिभाषण जो राज्यपाल का था उसमें भी काफी कहा गया था कि सोइल हेल्थ कार्ड से आप देखें कि हम हमारे शरीर की अगर जांच कराते हैं तो सोइल की क्यों नहीं होनी चाहिए। सोइल हेल्थ कार्ड को लेकर के मैं जानना चाहूंगा कि कुछ बेनिफिट हो पा रहा है किसानों को, क्योंकि इसका दायरा बढ़ाया गया है। योगेंद्र जी, मैं 1964 का एक स्टेटमेंट कोट करना चाहूंगा जो भारत के वित्त मंत्री टीटी कृष्णमाचारी ने दिया था। उन्होंने कहा था किसान को उसके खेत से उसकी उपज की खरीद करो और उसका उचित मूल्य दे दो। दो कामों के अलावा तीसरा कोई काम करने की सरकार को जरूरत नहीं है, किसान अपना आप सॉयल हेल्थ कार्ड बनवा लेगा। इसलिए इस पर एहसान करने की हम बात जरूरत नहीं है, काहे कि सॉयल हेल्थ कार्ड के लिए परेशान हो रहे हैं। ये तो हम खुद ही बना लेंगे जो हमारी आवश्यकता है, हम समझते हैं हमारी आवश्यकता क्या क्या है। इसलिए सरकार बनाएगी तभी सॉयल हेल्थ कार्ड बनेगा। ये छोटी छोटी बातों को लेकर के मन सोने की चोरी करो और सुई का दान करो, ऐसी बातें ये जो सरकार करती है इससे किसानों को चोट पहुंचती है, पीड़ा होती है कि भाई आप छोटी बातों को गिनाकर और उसकी जेब काट रहे हो। अभी मुख्यमंत्री जी इसी बजट में गिनाया 53 लाख किसानों को हमने बीमा किया है। आधा सच है, वो ये तो बताया कि उनको दिया कितना है और किया क्या है। जो आपने 53 लाख किसानों की जेब पैसा छीना है बिना किसानों से पूछे, बिना उनकी सहमति, बिना रसीद दिए, बिना उनको जानकारी दी कि पैसा कहाँ जा रहा है, किस कंपनी में जा रहा है। अब उसको पैसा आपने कितना दिया ये तो बताओ कि शाड़ू की फसल में आपने इतना पैसा उनको जो प्रीमियम काटा उसका बदले में क्लेम दिया है। तो क्लेम की बात इसलिए नहीं करेंगे, वहां उनकी पोल खुलती है। इसलिए किसान की जेब काटने का प्रचार भी किया जाएगा जैसे किसान का भला कर रहे हैं। अरे हम तो कहते हैं किसान की जेब में कितना पैसा आया ये बताओ ना, उत्पादन बढ़ाने के लिए आप क्या किया ये बताओ ना, उत्पादकता बढ़ाने के लिए आपने हर खेत को पानी की बात किसने क्या किया ये बताओ ना। जो पुरानी चीजें उनको रटा पिटाया ट्रेडिशनली आप चल रहे हो उससे कुछ होने वाला नहीं। राजस्थान की खुशहाली निर्भर करती है कृषि पर, और ये मैं नहीं, भारत सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो चाहे कोई भी दल हो, सब ये कहते हैं किसान हमारा अन्नदाता है, कृषि विकास का इंजन है और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अरे तुम रीढ़ भी मानते हो,
इंजन भी मानते हो, किसान को अन्नदाता भी मानते हो, तो आप शब्दों का तो बहुत अमीर हो, लेकिन देना कुछ नहीं चाहते। और देने के नाम पर अभी इन्होंने एक निर्णय लिया, संभाग स्तर पर करेंगे एग्रीटेक मीट। मैं कहता हूं एग्रीटेक मीट ये किसानों के लिए है ही नहीं, ये तो कृषि व्यवसायियों के लिए है। मुझे दिक्कत नहीं है कृषि व्यवसाय के लिए आप काम करें, उनके नाम से करो, हमारे नाम से कृषि व्यवसाय के लिए क्यों काम कर रहे हो? तो यदि आपको कृषि व्यवसाय के लिए कोई योजना बनाओ, जरूर बनाओ, स्वागत योग्य है, उनके नाम ले ना, हमारे नाम पर उनको पैसे दे रहे हो, उनके लिए योजना बना रहे हो, इसकी हमें गहरी आपत्ति है। और ये छल छत्म की राजनीति, ये किसानों को भरमाने की राजनीति, ये बंद होनी चाहिए। और एक बात और कहना चाहूंगा योगेंद्र जी, ये बजट चुनावी घोषणा पत्रों की तरह नहीं हो जाए कि जैसे उन पर लोग विश्वास करते तो ऐसे होती रहती है, ऐसे बजटों के बारे में नहीं हो जाए तो ये हम सबके लिए घाटे का सौदा होगा। और एक दूसरी चीज जो जोड़ना चाहूंगा, अभी 2.5 घंटे का लगभग बजट भाषण, अरे भाई राज्यपाल का अभिभाषण में गिना देते उपलब्धियों को, तो उपलब्धियों का बखान जरूर करे, सरकार का अधिकार है, कर्तव्य है कि लोगों को बताए कि हमने क्या क्या काम किए, इसमें किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन बजट की क्या जरूरत है? ये तो आप राज्यपाल का अभिभाषण लेते थे इन सब चीजों को, तो आधा समय आपका बच जाता। फिर एक गांव में अस्पताल बनाएंगे, इसमें बजट में उसको उल्लेख करने की क्या जरूरत है? तो ऐसी जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको गिनाकर ये हो सकता है कि आपका जो वहां का स्थानीय जनप्रतिनिधि है उसकी प्रसन्नता के लिए, उसके वोटों के लिए आप ये घोषणा करो, ये समझ बात नहीं, बजट में क्यों करो, बिना बजट ही कर दो। तापाल जी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो बजट में लगे कि हाँ वास्तव में ये कुछ पहल है कि कह सकते हैं कि खेती, किसान, पशु, उनके लिए ठीक हो, सिंचाई, ऐसा कुछ है कि बजट में ये तो कहा जा सके कि चले उम्मीदें तो बहुत होती हैं लेकिन कुछ तो शुरुआत हुई है? हाँ, जैसे एक शुरुआत इन्होंने कहा बीज के विषय में, हाँ, बीज स्वावलंबन, हाँ, लेकिन उसका मैंने पढ़ा 5 लाइन है, हाँ, उस 5 लाइन में ये रोड मैप नहीं है कि ये बीज स्वावलंबन का क्या अर्थ मानते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ये बीज स्वावलंबन के नाम से हमसे ठगी करेंगे, क्यों? उसमें शब्द लिख दिया उत्पादन, बीज उत्पादन, तो बीज उत्पादन कौन करेगा भाई? आप बताओ, आप ये कहते हैं कि बीज उत्पादन हम किसानों से कराएंगे और हम ये कोशिश करेंगे जो किसान बीज बोए वही खुद के खेत के लिए बीज तैयार करे, तो किसानों की बीज पर निर्भरता खत्म हो, ये आज की आवश्यकता है। तो ये तो आपने नहीं कहा, अब आप क्या करोगे ये आपको पता, इसलिए नाम तो आप अच्छे लोगे, यहाँ तो आर्थिक सुधारों के नाम पर आर्थिक लूट होती है, इसलिए यहाँ जितने भी सुधार होते हैं उनका अर्थ है कहीं कहीं, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो योजनाएं गले नहीं उतर पाती है और कहीं ना कहीं उसमें सरकारों का आर्थिक हित दिखाई देता है आपको? हाँ, मुझे लगता है सरकारें जो उनको चंदा दाता है उनके निहित स्वार्थों को कैसा पूरा करें, और वो भी हमारे नाम पर, ये ज्यादा चलता है। इसलिए मैं तो कहना चाहूंगा कि भाई आप उनको ऑब्लाइज करो लेकिन हमारे नाम से मत करो ना जी। चलिए, लेकिन भेड़ को आगे बढ़ाने की बात कही है कि भेड़ उन्मूलन की बात काफी लंबे समय से की जा रही थी कि भेड़ों का भविष्य क्या है, भेड़ों को आगे बढ़ाना चाहिए, उसमें रोजगार की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं और किसान को क्रमोन्नत भी करेंगे, उसमें एक कवच योजना शुरू भी की जा रही है। योगेंद्र जी बिल्कुल सही बात, ये जो अविका योजना है तो पहले के दिन बंद, अविका कवच योजना, हाँ तो ये तो पहले थी भाई, आपको बंद क्यों की, उसका आप कारण तो बताओ, आपको कुछ सपना आता है क्या बंद कर दो आप चालू कर दो? इसलिए जो अच्छी योजना है उनको क्यों बंद कर रहे हो आप? आज भेड़ हमारे राजस्थान के किसानों का एक क्षेत्र में आर्थिक संबंध देने वाला कार्यक्रम है भेड़, इसलिए भेड़ को यदि प्रोन्नत करें, भेड़ के बारे में चिंता करें, अच्छी बात है। तो कोई नई चीज तो लाए कि भेड़ पालक उसकी आय भेड़ से कैसे हो, इसकी चिंता करो ना, तो आप तो भेड़ पालक की आय की चिंता नहीं करते, पशुपालक उसकी आय की चिंता नहीं करते, जो कृषि उत्पादन करा उसकी आय की चिंता नहीं करते, तो उसकी आय की चिंता तो आपके बजट में है ही नहीं, चर्चा ही नहीं है। तो जो आपको करनी चाहिए थी चर्चा कि उसकी आय कैसे बढ़े, ये चर्चा तो करो ना प्लीज। एक नई जो महिला दुग्ध सहकारी समितियों का अनाउंसमेंट किया है और जो पहले से चल रही है उनमें भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जा रही है, ये लगता है आपको कि महिला स्वावलंबन के लिए, रोजगार उन्मुखी करने के लिए ये बेहतर कदम हो सकता है सरकार का? 1000 महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां खोलेंगे जी। राजस्थान में गांव है 46,000, हाँ 46,000 गांव में 1000 ये खोलेंगे, अच्छा है, इसको यदि ये संख्या ज्यादा बढ़ाएं तो लोगों को लगेगा कि ठीक काम किया।